वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराण गरुड़ पुराण में ज्ञान, सदाचार, वैराग्य, भक्ति, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कार्यों से जुड़े लौकिक पारलौकिक फलों का वर्णन मिलता है। साथ ही इस महापुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का भी गहराई से उल्लेख प्राप्त होता है। आज हम आपको 18,000 श्लोकों और 271 अध्याय वाले गरुड़ पुराण के अनुसार 5 ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सभी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो मनुष्य नियमित रूप से इन कार्यों को करता है उसका दिन शुभ होने के साथ ही हर काम में सफलता मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य को रोजाना जल्दी स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन सुबह स्नान करके पवित्र होता है उसका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर और शुभ होता है। जीवन में दान को बहुत महत्व दिया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन किसी न किसी वस्तु का दान करना शुभ माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहने के साथ ही उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती है। माना जाता है कि रोजाना हवन करने से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि प्रतिदिन हवन करना संभव ना हो तो आपको घर में तुलसी के पौधे और भगवान के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार दिनचर्या के 5 आवश्यक कार्यों में जप भी शामिल है। आपको प्रतिदिन कम से कम 1 मंत्र के जाप का नियम अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए जप से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा पाठ कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। जो व्यक्ति रोजाना ये काम करता है उसके घर परिवार की समस्याएं दूर होने के साथ ही ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहती है।